क्यों सभी ये कहते हैं कि भैरव का रियाज ही सवेरे होना चाहिए, और किसी राग का रियाज क्यों नहीं हम सवेरे करते, और सिर्फ भैरव के रियाज से मुझे कल्याण गाना कैसे आएगा, मुझे काफी गाना कैसे आएगा, मुझे मियां मल्हार गाना कैसे आएगा, मुझे भूपाली दरबारी गाना कैसे आएगा। ये लोगों के सवाल हैं कि आप कहते हो कि भैरव का रियाज करो और सब कुछ आपको आ जाएगा, है ना। तो मैं सवेरे भैरव का रियाज कर रहा हूँ, मैं मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं शाम में रियाज कर पाऊँ, क्योंकि मैं इतना बिजी शेड्यूल है मेरा, तो मैं कैसे, मुझे कल्याण गाने कैसे आएगी, यमन गाना कैसे आएगा, ये जो सवाल है आज उस पर हम जरा चर्चा करने जा रहे हैं। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। भैरव, ये राग भैरव का एक थोड़ा सा चलन अभी अभी मैंने आप सभी के सामने गाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रियाज हम अगर गायकी का करते हैं, तो अगर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अगर उसका रियाज हो, 4 से 7 में रात्रि के अंतिम प्रहर में, उस प्रहर में अगर रियाज किया जाए, तो गायकी निखरती है, आवाज निखरती है, संगीत का ज्ञान हम तक पहुंचने लगता है और हम संगीत की गहराई में उतरने लगते हैं, क्योंकि वो जो बेला है वो अमृत वर्षा है, अमृत बेला कहते हैं उस वक्त को, अगर उस समय अगर आप रियाज करते हैं तो। हर राग का अपना एक समय होता है, ये आप जान ही चुके हैं अब तक तो, और भैरव का समय वही है, ये भी हम जानते हैं। आप में से कई विद्यार्थी हैं, कई संगीत के गुणी हैं जो सीखना चाहते हैं और जो थोड़े बहुत सीखे हुए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि क्यों सभी ये कहते हैं कि भैरव का रियाज ही सवेरे होना चाहिए, और किसी राग का रियाज क्यों नहीं हम सवेरे करते, और सिर्फ भैरव के रियाज से मुझे कल्याण गाना कैसे आएगा, मुझे काफ़ी गाना कैसे आएगा, मुझे मियां मल्हार गाना कैसे आएगा, मुझे भूपाली दरबारी गाना कैसे आएगा। ये लोगों के सवाल हैं कि आप कहते हो कि भैरव का रियाज करो और सब कुछ आपको आ जाएगा, है ना। तो मैं सवेरे भैरव का रियाज कर रहा हूँ, मैं मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं शाम में रियाज कर पाऊँ, क्योंकि मैं इतना बिजी शेड्यूल है मेरा, तो मैं कैसे, मुझे कल्याण गाने कैसे आएगी, यमन गाना कैसे आएगा, ये जो सवाल है आज उस पर हम ज़रा चर्चा करने जा रहे हैं कि जो भैरव का रियाज सवेरे होता है, क्या उसी ही से बाकी सारी रागें आती हैं या और कोई तरीका है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि रियाज का अर्थ क्या होता है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, रियाज मतलब एक्सरसाइज होती है, है ना, यानी बार बार लगातार किसी भी एक चीज़ को दोहराना और उससे कुछ इजाफा होना, उसे एक्सरसाइज कहते हैं, है ना। जो फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं, हमारी जिमिंग करते हैं, वैसे ही ये वोकल एक्सरसाइज है, इसको वॉइस जिम आप कह दीजिए, है ना, कि गले की कुछ कुछ ऐसी टेक्निक्स का हम रियाज करते हैं जिससे कि गले में पंच आता है, रेंज बढ़ती है, गहराई आती है, है ना, और मीठापन मधुरता आती है, तो उसमें हमें डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जब हम भैरव का रियाज सवेरे करते हैं, क्योंकि भैरव का वक्त जो है वो सुबह ही है, सुबह आप यमन का रियाज नहीं कर सकते क्योंकि उसका समय नहीं है, शास्त्रों अनुसार भी और जो राग का चलन है उसके स्वरूप अनुसार भी आपको समझ आएगा धीरे 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 कि कैसे वो जब स्वर लगते हैं तो माहौल सवेरे का ही होना चाहिए, वो जो शांति है, वो जो भक्ति है, वो सवेरे ही हो सकती है, और कल्याण में क्या फील है जो वो शाम में गाया जाता है, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे वैसे भी समझ आ जाएगा और वैसे शास्त्रों में भी लिखा हुआ ही है। तो मैं ये कह दूँ कि भैरव का रियाज सवेरे जो आप कर रहे हो, आप राग भैरव का रियाज नहीं कर रहे हो, आप भैरव में अलंकार का रियाज करा करते हो, है ना।
और कई होते हैं जो थोड़ा डेवलप होने के बाद राग भैरव का भी रियाज सवेरे ही करते हैं, मगर उनको ये तय नहीं है कि आपको कल्याण उसको गाने से आ जाएगी, नहीं, वो एक्सरसाइज है आपको। और यूं कहते हैं लोग कि रेधा कोमल लगा देते हैं हम तो सवेरे, फिर बाकी के जो बचे वो कब लगेंगे? तीव्र मध्यम का रियाज कब होगा, कोमल गंधार का रियाज कब होगा, शुद्ध ऋषभ का रियाज कब होगा? हम तो सवेरे जो रियाज कर रहे हैं उसमें तो कोमल रे और कोमल ध लगा रहे हैं और बाकी सारे स्वर लग रहे हैं, तो बाकी स्वरों का रियाज कब होगा, है ना? तो जाहिर बात है, पहले तो मैंने आपको समझाया ही है कि दिन के हर प्रहर के हिसाब से रागे हैं तो अपना रियाज उस अनुसार कीजिए, मगर भैरव गाने से संगीत की गहराई में जब आप उतरेंगे तो धीरे धीरे फिर आपको दूसरी रागों का सिर्फ चलन सीखना रह जाएगा, गायकी का स्टाइल सीखना रह जाएगा कि यमन गाते हैं तो यमन में चलन कैसा है। वहाँ आपको स्वर अलग से स्वर का रियाज नहीं करना पड़ेगा, जो स्वर का रियाज है वो आपका सवेरे हो चुका है, तो उस वजह से जो स्वरों का पक्कापन है वो गले में बैठ चुका है। अगर आपने कोमल रे और कोमल ध लगा के रियाज किया, इसका मतलब ये नहीं कि शुद्ध रे आपका बेसुरा लगेगा, नहीं, है ना, उसका रियाज आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाकी सारे स्वर आपके अपने आप ही स्वर में आ जाएंगे, क्योंकि वो रियाज राग का रियाज नहीं, वो रियाज आवाज का रियाज है, है ना, वो रियाज गले का रियाज है, किसी पर्टिकुलर राग का रियाज नहीं हो रहा है, है ना। राग का जब हम रियाज करते हैं तो भाई उसका छोटा ख्याल देखेंगे, उसमें आलाप ताने करके देखेंगे कैसे होती है, उसका चलन कैसे बनता है, है ना, उसका बड़ा ख्याल गाएंगे, वो होता है राग का रियाज, है ना। पर हम जो सवेरे कर रहे हैं वो राग का रियाज थोड़ी कर रहे हैं, आपको भैरव का रियाज थोड़ी करने को कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है भैरव के स्वर लगाकर उसमें अलंकारों का रियाज कीजिए, और अलंकार गले के लिए हैं, है ना, गले में आपको मजबूती पैदा करेंगे और धीरे धीरे दिमाग में भी आपकी मजबूती पैदा करेंगे। तो कल्याण अगर शाम में आपको सीखनी है तो कल्याण आप कभी भी सीखिए, है ना, फिर कल्याण का सिर्फ चलन सीखना रह जाएगा, फिर उसके लिए आपको अलग से रियाज नहीं करना है कि अब कल्याण के लिए मुझे गले का रियाज अलग से करना है, स्वर अलग से डेवलप करने, नहीं, स्वर डेवलप कर चुके हैं आप सवेरे, है ना, उसके अलावा जो भी रागें आती फिर उनका सिर्फ चलन सीखना है ना, उनके बारे में जानना है कि भाई उसमें कौन से स्वर लगते हैं, कैसे लगते हैं, कैसे लगती है, संगतियाँ कौन कौन सी है ना, बस वो सीख लिया तो आपको वो राग भी आ जानी है, ऐसे ही करके आप सारी रागें सीख सकते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भैरव को सीखने से ही आपको सारी रागें आ जाती, नहीं, भैरव का रियाज करने से गले में एक स्वर की गहराई और पक्कापन आता है, जिस वजह से आप कोई सी भी राग फिर आसानी से गा सकते हैं, ये छोटी सी चीज़ है, इसीलिए हम सवेरे भैरव का रियाज किया करते हैं। और ये भी आप जान लीजिए, आप दिन में कभी भी रियाज कीजिए, कितना भी कीजिए, उतना असर नहीं होगा जितना सवेरे के रियाज का है। अगर वो नहीं किया है तो वो सारी जो बाकी की गायकी उसमें एक खोखलापन आपको नजर आएगा, उसमें वो गहराई, उसमें वो दिव्यता, वो उसकी कमी रहेगी ही रहेगी, मेलेडी की कमी रहेगी ही रहेगी अगर आपने सवेरे का रियाज नहीं किया है, ये तो तय है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, इस चीज़ पर तो मैं दावे से कह सकता हूँ, है ना। तो अब मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा कि भैरव सीखने से बाकी रागें नहीं आती हैं, भैरव से आवाज़ में गहराई आती है, उस समय उस राग का रियाज करने से, राग उन टेक्निक्स का रियाज करने से आवाज़ अच्छी होती है, और बाकी जो रागें हैं उनकी नॉलेज आप लेकर उनको आसानी से गा सकते हैं, फिर उनके लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, छोटा सा एक सवाल था आप लोगों का, तो ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड की वीडियोज़, एंड आगे आने वाले टॉपिक्स में मैं बहुत सारी और भी बातें ऐसे ही क्लियर करता रहूँगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, धन्यवाद।